कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते हर कोई भयभीत है। वहीं तीसरी लहर की संभावना को लेकर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राजकीय चिकित्सालय में भी अतिरिक्त 100 बेड के साथ कोरोना वार्ड की स्थापना करके समुचित चिकित्सा उपकरण तैयार किए गए हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद कोविड संक्रमण अलग अलग वेरिएंट में तब्दील होता जा रहा है। डेल्टा, अल्फा, बीटा और गामा के बाद हालिया दिनों में कोविड का कप्पा नामक नया वेरिएंट सामने आया है। हालांकि इसका असरदार नहीं है, लेकिन कोविड की संभावित तीसरी लहर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग बाड़मेर भी अपनी तैयारियों में अभी से जुट गया है। बाड़मेर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ एमबीसी गर्ल्स कॉलेज को भी अस्पताल के रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। यहां अतिरिक्त बेड लगाए जाने के साथ साथ अन्य चिकित्सा सेवाओं के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि कोविड के मरीजों की बढ़ोतरी के दौरान मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया हो सके। इसके अलावा दवाइयों के स्टॉक, ऑक्सीजन आपूर्ति और अन्य चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन अभी से ही जुटा हुआ है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया ने बताया कि कोरोना का असर कम जरूर हुआ है, लेकिन संभावित तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। डॉक्टर मंसूरिया के अनुसार वेदांता गर्ल्स कॉलेज और जिला अस्पताल में कुल 500 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन आपूर्ति समेत दवाइयों एवं आवश्यक इंजेक्शन के स्टॉक को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना प्रबल, ये हम फॉरेन कंट्री में भी देख रहे हैं और हमारे खुद की कंट्री में 5-6 स्टेट जो है वो इस तरह की बढ़ोतरी महसूस कर रहा है और लगता है कि ये जरूर आने की पूरी संभावना है। तो उसके लिए हमने जो है एक 100 बेड का हॉस्पिटल जो केयर ने बनाया है वो आईसीयू समेत वेल इक्विप्ड सुरक्षित आरक्षित रखा हुआ है। इससे भी अगर हमारा नहीं बैठेगा तो फिर हम कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है वो भी अभी जिस तरह से पहले हमने चलाया था और अभी भी बेड से लगा करके सभी सुविधाएं वहाँ पे बनाई हुई है, हमने वहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं उठाई है। 120 बेड के आसपास वो हमारा हो जाएगा और उससे भी अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो फिर वापस हमारे को यहाँ जिला अस्पताल में रिजर्व करने पड़ेंगे और जो जनरल पेशेंट है उनको कहीं और प्राइवेट हॉस्पिटल या वो देखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमने प्रारंभिक तौर पे जो है 300 और 600 बेड के आसपास की जो है व्यवस्था हमने कर रखी है। एक ऑक्सीजन प्लांट जो लगाया था पहले वो तो रनिंग में फंक्शन कर रहा है और उसी से ही हमारा अभी काम चल रहा है। दूसरे हमारे 2 प्लांट का शेड्यूल वर्क कम्प्लीट हो गया, उनकी मशीनरी आनी है और वो भी दोस्तान को सत्ता के अंदर आ जाएगी तो वो प्लांट चालू हो जाएगा। एक प्लांट जो लोकल बॉडी बना रही है उसकी मशीनरी भी आ गई है और वो शायद 1-2 दिन में वो भी शुरू करने की तैयारी में है। एक प्लांट और सेंक्शन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेंक्शन किया है, तो उसके भी जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कल आ गए थे, उनको चिन्हित करके दे दी गई है, तो आज या कल में वो भी जो है काम शुरू कर देंगे। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ हमारा जितना हॉस्पिटल 300 बेड का उसके लिए हमारे पास सफिशेंट है। अगर पेशेंट बढ़ते हैं और हमें बेड 300 से बढ़ के 400 करने पड़ते हैं, 500 या 600 करने पड़ते हैं, तो नेचुरली जो हमारे पास डॉक्टर जैसा स्पेशलिस्ट हो या चाहे दूसरे हो उनकी कमी रहेगी, तो वो कोशिश करेंगे कि वो पहली फ्री से मिले या कहीं और से व्यवस्था की जाए, क्योंकि 600 बेड तक अगर हमें जाना है तो हमें स्टाफ की जरूरत रहेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बीएल मंसूरिया के अनुसार संभावित तीसरी लहर के दौरान वेदांता अस्पताल और गर्ल्स कॉलेज में कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा एवं मरीजों की बढ़ोतरी पर जिला अस्पताल में मरीजों को भर्ती किया जाएगा और जिला अस्पताल की ओपीडी पुनः निजी अस्पताल में संचालित करवाई जाएगी, ताकि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर पर काबू पाया जा सके। संभावना जताई जा रही है कि अगस्त माह के अंतिम सप्ताह तक कोरोना की तीसरी लहर प्रभावी हो सकती है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि दूसरी लहर जैसी स्थितियों का सामना न करना पड़े।